सब्सक्राइब करें अयुब टेक को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट में रिस्पॉन्सिव टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट में रिस्पॉन्सिव टेबल यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप हमारे आने वाले डेली वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पूरा बताया गया है कि आप ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट में रिस्पॉन्सिव टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखते हैं, आप इस आर्टिकल को भी पढ़कर आसानी से अपने ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट में रिस्पॉन्सिव टेबल ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम वीडियो के थ्रू भी बताने वाले हैं कि आप ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट में रिस्पॉन्सिव टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिव टेबल यहाँ पर यूज़ किया गया है ब्लॉगर के ब्लॉग पोस्ट में। आप यहाँ पर इसी तरीके से अपने ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट में रिस्पॉन्सिव टेबल ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट में रिस्पॉन्सिव टेबल ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको HTML और CSS कोड को अपने ब्लॉगर में ऐड करना है, और आपको किस तरीके से ऐड करना है ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक CSS कोड देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो CSS कोड है रिस्पॉन्सिव टेबल के लिए है, यानी कि आप इस CSS कोड को अपने ब्लॉगर में ऐड करते हैं तो जो आपका टेबल है वो रिस्पॉन्सिव रहेगा, हर स्क्रीन और डिवाइस के हिसाब से रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले इस CSS कोड को कॉपी करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ब्लू कलर है इसकी जगह आपको अपने वेबसाइट का URL एंटर करना है। और यहाँ पर जो आप ये रेड कलर देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपने टेबल का बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो भी अपने टेबल का बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं आप यहाँ पर इस कोड को चेंज कर सकते हैं। तो आपको टेबल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए आपको CSS कलर कोड की वेबसाइट पर जाना है। तो यहाँ पर आपको इसी पोस्ट में एक लिंक देखने को मिलेगा CSS कलर कोड। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक CSS कलर कोड की वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो चाहें टेबल का बैकग्राउंड कलर रखना चाहें आप यहाँ पर सिलेक्ट करके उस कोड को कॉपी करके इस CSS कोड में पेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस CSS कोड को कॉपी कर लेना है। और फ्रेंड्स, इस CSS कोड को कॉपी करने के बाद तो फ्रेंड्स, इस CSS कोड को ब्लॉगर में ऐड करने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका सबसे आसान है, तो यहाँ पर हम पहला तरीका देख लेते हैं इस CSS कोड को ब्लॉगर में ऐड करने का। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना है, और ब्लॉगर अकाउंट में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको थीम ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कस्टमाइज ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम कस्टमाइज ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एडवांस पर क्लिक करना है। आपके ब्लॉगर में कुछ अलग तरीके से भी आ सकता है, तो आपको एडवांस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि आप यहाँ को एक बॉक्स देखने को मिलेगा CSS कोड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड कस्टम CSS। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको CSS कोड को ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने जो CSS कोड को यहाँ पर जो कॉपी करा था, आपको इस CSS कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको इस CSS कोड को इस बॉक्स में पेस्ट करना है। फ्रेंड्स, इस CSS कोड को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई टू ब्लॉग पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम अप्लाई टू ब्लॉग पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको बैक टू ब्लॉगर पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आप पहले तरीके से CSS कोड को कैसे ऐड कर सकते हैं ब्लॉगर में। तो पहला तरीका सबसे आसान था, अब यहाँ पर हम दूसरा तरीका देख लेते हैं CSS कोड को ऐड करने का ब्लॉगर में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने ब्लॉगर अकाउंट में लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद थीम ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अब आपको एडिट HTML में क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम एडिट HTML में क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पोर्ट्रेट मोड में आ जाते हैं ताकि हम आपको और भी अच्छे से समझा पाएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पोर्ट्रेट मोड में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको CSS कोड को पेस्ट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर थीम के HTML में आना है, और यहाँ पर आपको एक कीवर्ड सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है इस कीवर्ड को, तो आपको इस कीवर्ड को सर्च कर लेना है। अगर आपके पास PC है तो आप इस कंट्रोल F बटन प्रेस करके इस कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से ब्लॉगर थीम के HTML में इस कीवर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर आसानी से अपने ब्लॉगर थीम के HTML में CSS कोड को पेस्ट कर सकते हैं, और एनी कीवर्ड भी आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस कीवर्ड को सर्च कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें अपने ब्लॉगर थीम के HTML में ये कीवर्ड मिल चुका है। फ्रेंड्स, आपको इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको आगे क्लिक करना है,
तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको इस कीवर्ड के ऊपर उस सीएसएस कोड को पेस्ट करना है जो मैंने आपको अपनी वेबसाइट में दिया है। तो आपको इसी कीवर्ड के ऊपर ही पेस्ट करना है अपने सीएसएस कोड को। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं सीएसएस कोड को। इस कीवर्ड के ऊपर सीएसएस कोड को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव थीम पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम थीम को सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं सीएसएस कोड को ब्लॉगर में ऐड करने के। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से सीएसएस कोड को ऐड करना है अपने ब्लॉगर में। और सीएसएस कोड को ऐड करने के बाद अब आपको आगे करना है क्या है, आपको एक एचटीएमएल कोड को ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट में ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसी पोस्ट में आएंगे। इस पोस्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको एक एचटीएमएल कोड देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एचटीएमएल कोड है ये टेबल के लिए है। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी पोस्ट में टेबल ऐड करना चाहते हैं तो आपको करना है क्या है, आपको सबसे पहले इस एचटीएमएल कोड को कॉपी करना है। एचटीएमएल कोड को कॉपी करने के बाद अब आपको जिस भी पोस्ट में टेबल को ऐड करना है तो आपको क्या करना है, आपको पोस्ट को एडिट करना है। तो यहाँ पर हम एडिट पर क्लिक कर लेते हैं। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक कंपोज का ऑप्शन मिलेगा और एक एचटीएमएल का। तो यहाँ पर आपको एचटीएमएल पर क्लिक करना है। एचटीएमएल पर क्लिक करने के बाद तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लॉग पोस्ट की जो HTML कोडिंग है ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप जहाँ भी टेबल को ऐड करना चाहते हैं अपने पोस्ट में, आपको उस HTML कोड को वहाँ पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना है अपने पोस्ट को। तो फ्रेंड्स, इस CSS कोड को ब्लॉगर में ऐड करने के बाद यहाँ पर आप इस HTML कोड को अपने ब्लॉग पोस्ट में ऐड कर लेते हैं तो आपके ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट में रिस्पॉन्सिव टेबल ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस प्रकार से अपने ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट में रिस्पॉन्सिव टेबल ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट में रिस्पॉन्सिव टेबल ऐड करने के बाद आप रिस्पॉन्सिव टेबल को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव टेबल है। तो यहाँ पर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँ कि आप यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर दूसरे बॉक्स में कैसे ला सकते हैं और यहाँ पर आप और भी कॉलम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगली वीडियो में आपको रिस्पॉन्सिव टेबल को एडिट करके और डिज़ाइन करके बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को देखकर अपने ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट में रिस्पॉन्सिव टेबल को एडिट भी कर सकते हैं और अच्छा लुक और अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।